पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में नशे के कारोबारी ने पहले उधार में युवक को नशा कराया और जब उधारी के पैसे नहीं मिले तो गुस्से में आकर युवक की हत्या करने का मामला सामने आया। हत्यारे ने पहले युवक को नशा कराया और उसके बाद ईंट से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दरअसल मामला है जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन्स इलाके का। थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति का शव 3 जनवरी को मिला, जिसकी पहचान गोविंद के रूप में हुई थी। मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि आरोपी साजिद काफी दिनों से रेलवे स्टेशन और उसके आसपास गुटखे बीड़ी सिगरेट के साथ नशे का सिलोचन बेचता था। मृतक भी रेलवे स्टेशन पर पानी की बोतल बेचा करता था। इसके बाद दोनों की जान पहचान हो गई। वो आरोपी से उधार में नशे का सामान खरीद लेता था। काफी रुपए उधार होने के बाद जब पैसे मांगे तो मृतक ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मौका पाकर आरोपी ने ईंट से कुचलकर युवक की हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। ये थाना सिविल लाइन्स में 3/2/2024 को ये रेलवे स्टेशन के पास में जो पुराने इनके आवास हैं, जो खंडहर नुमा हैं, उसमें एक शव की सूचना मिली थी पुलिस को। तत्काल मौके पर हमारे सभी अधिकारी, सीओ सिविल लाइन्स और थाना प्रभारी, हमारी फॉरेंसिक टीम, सभी लोग वहाँ पहुँचे थे। इस दौरान फिर शव की शिनाख्त गोविंद पुत्र हरिशंकर, ये टांडा अमरपुर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद का रहने वाला है, इसके रूप में हुई थी। इसकी पत्नी की ओर से एक अभियोग थाना सिविल लाइन्स पर पंजीकृत हुआ था और इसी के संबंध में अभियुक्त है साजिद उर्फ लंबू, ये डबल फाटक हड्डीबिल थाना कड़गर क्षेत्र का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है। इसने पूछताछ में बताया कि ये मृतक और ये आरोपी जो इसमें गिरफ्तार हुआ है अभियुक्त, ये दोनों ही नशा करने के आदि थे और जो सलोचन है उसको नशे के रूप में ये लोग इस्तेमाल करते थे। और इसी नशे के काम में जो मृतक गोविंद था वो उसका काफ़ी उधार हो गया था साजिद का, उसके ऊपर काफ़ी पैसा निकल रहा था और साजिद उससे उस पैसों को लगातार मांग रहा था और इसके द्वारा लगातार टल मटोल की जा रही थी। तो इसी उसमें नशा भी इसने किया था, नशे के साथ साथ इसने गुस्से में आके जब इसको अचानक वो मिला तो वहीं इसके साथ इसने मारपीट की और वहीं पर कोई ईंट नुमा कोई चीज़ थी उससे इसके ऊपर बार बार प्रहार किए इसके, जिससे इसके सिर पे और चेहरे पे इसके चोटें आई थी, जिससे इसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। और इस प्रकार इसकी गिरफ्तारी हुई है और जो घटना हमारी एक हत्या की थी उसका एक सफल अनावरण थाना सिविल लाइन्स पुलिस ने किया है। अभी इसका आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। पूर्व का इसका इतिहास एक 2021 का एक मुकदमा है इसका, सामान्य मारपीट का। उसके अतिरिक्त अभी और भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।